आहार में आपके सभी व्यंजन आते हैं। आपको मालूम है मित्रों कि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं और अल प्रत्याहार में सभी स्वर और व्यंजन सभी वर्ण आते हैं। अट प्रत्याहार में आ से लेकर के त तक के बीच में वर्ण आते हैं और हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प बी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मित्रों, चतुर्नवति संख्या है। चतुर माने चार, नवति माने नब्बे। तो नब्बे और चार, नब्बे प्लस चार बराबर कितना हो गया मित्रों, चौरानबे। चतुर्नवति अर्थात विकल्प आपका सी सही है। तेरह का है त्रयो दस, चौरासी का है चतुर षष्ठी, षष्ठ तो चौसठ हो जाएगा, चतुष्टा जो है, और चौहत्तर का है चतुर सप्तति। तो इस प्रकार से जो है आशीति, ये चतुराशीति है और ये चतुर सप्तति है, तो चौरानवे होगा मित्र इसका। इसके बाद मित्रों तीसरा प्रश्न है हमारा, इंद्र का पर्याय नहीं है। इंद्र का पर्याय है, इसमें प्रश्न होना चाहिए इंद्र का पर्याय कौन सा है, ये नहीं है मित्रों। इंद्र का पर्याय है तो सुरेश भी नहीं है, रमेश भी नहीं, देवेंद्र भी नहीं, मधवा। ये मघवा माने मित्रों होता है इंद्र, मघवा शब्द से अर्थ है इंद्र, अतएव इंद्र शब्द से पर्याय मघवा अस्ति। तो ये विकल्प आपका डी विकल्प सही है मित्रों। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, इसमें देखिए दिया हुआ है विद्यालय से परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, विद्यालय परितः। तो मित्रों आप जानते हैं अभितः परितः समया निकसहा प्रतियोगे द्वितीया, तो परितः शब्द आया है इसलिए परितः के योग में यहां पर द्वितीया व्यक्ति होगी। विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के परितः माने चारों ओर वृक्ष है, अतः आपका विकल्प सी सही है मित्रों। इसमें विद्यालय भी नहीं होगा, विद्यालय भी नहीं होगा, विद्यालयात भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, तुम वेदम पठ का कर्मवाच्य में रूप बनेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा कर्तृवाच्य का वाक्य होता है, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया होती है और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार 121 इसका ट्रिक्स होता है और कर्मवाच्य का ट्रिक्स होता है 311 आपके कर्मवाच्य का ट्रिक्स है मित्रों और 121 आपका कर्तृवाच्य का। यानी जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्ता हमारा तृतीया विभक्ति में, कर्म हमारा प्रथमा विभक्ति में और क्रिया हमारी कर्म के अनुसार लगाई जाती है। तो त्वम का तृतीया में क्या हो जाएगा, त्वया, त्वया। वेद जो है आपका पुलिंग शब्द है, वेद नपुंसक लिंग नहीं है मित्रों, इसको ध्यान दीजिएगा, वेद हमेशा पुलिंग में प्रयुक्त होता है। तो वेद पठ्यताम, त्वया वेद पठ्यताम त्वया वेदम पठ्यताम, ये आपका गलत है क्योंकि वेद आपका वेदम जो है कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में होगा, तो वेद वेद वेदा वेदम, यहां तो द्वितीया में आया है लेकिन यहां पर वेद प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। तो 311 ट्रिक्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, छठवां प्रश्न है, धा धातु में दधातेर ही एक सूत्र है, धा धातु में अक्त प्रत्यय जोड़ने पर आपका रूप निष्पन्न होगा। धा धातु में कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर मित्रों, देखिए मित्रों आप अभी सभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, अभी बहुत कम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, सभी मित्रों से निवेदन यह है कि सभी को बता दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर के इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाए। देखिए धा धातु में अक्त प्रत्यय, तो एक सूत्र है दधातेर ही सूत्र कहता है कि यदि धा धातु के बाद में कोई प्रत्यय लगता है या कोई भी परिवर्तित अगर रूप किया जाता है तो धा का ध के स्थान पर ह हो जाता है
और हितः पद बनेगा मित्रों, धत्तः नहीं बनेगा, न धितः बनेगा, न हनः बनेगा, हितः बनेगा। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, जैसा कि किरातार दुनिया में आया है तो धा धातु में अतः प्रत्यय। अगला प्रश्न है मित्रों, ब्राह्मण भोजनम भुनक्ति, ब्राह्मण भोजन खाता है या भोजन करता है? ब्राह्मण भोजनम भुनक्ति, ब्राह्मण भोजन की रक्षा करता है, गलत है, रक्षा करना नहीं है, भुनक्ति ये खाने अर्थ में होता है, ब्राह्मण भोजन देखता है, यही गलत है, एक तथा दो दोनों गलत है। ब्राह्मण भोजन खाता है, ब्राह्मण भोजनम भुनक्ति, ब्राह्मण भोजनम भुनक्ति मित्रों, यही आपका सही है, सबसे समीचीन उत्तर है। इसके बाद मित्रों आपका है अगला प्रश्न है, इष्टः शब्द में प्रत्यय है, इष्टः शब्द में, अब देखिए ये इस धन अक्त और यज धन अक्त दोनों बनता है, अक्त नहीं होता है मित्रों, अक्त प्रत्यय होता है, यज धन अक्त और इस धन अक्त, इस धातु में अक प्रत्यय जोड़ करके एक और दो दोनों, एक और दो दोनों मित्रों इसमें आपका है, तो विकल्प आपका सी सही होगा। इस धन अक्त ये भी आपका यज बन जाता है, तो आपका इष्ट बन जाता है, इष्ट इसके द्वारा भी बनेगा और इस का ही यज धातु हो जाती है, तो इसके भी आधार पर तो दोनों होगा आपका, एक और दो दोनों। इसके बाद मित्रों आपका है अगला प्रश्न, पिता पुत्राय कुप्यति, पिता पुत्राय कुप्यति, इस वाक्य में पुत्राय शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो मैंने आपको ट्रिक्स बताया था, अह अम एन आय आत अस्य ए हे, अह अम एन आय आत अस्य ए हे, तो इस ट्रिक्स के मेथड से मित्रों अह अम एन आय, तो आय देखिए इसमें चतुर्थी विभक्ति है, प्रथमा में अ, द्वितीया में अम, तृतीया में एन और चतुर्थी में आपकी विभक्ति है, तो ये आपका सी विकल्प सही है मित्रों। इसके बाद अगला प्रश्न है, झलाम जसो अंते सूत्र का उदाहरण है, झलाम जसो अंते पदांते झलाम जसह स्युः स्यात्, पदांते झलाम जसह स्युः स्यात्, पदांते झलाम जसह स्युः स्यात्, पद के अंत में झल प्रत्याहार अगर आया है, पद के अंत में अगर झल प्रत्याहार का वर्ण है मित्रों, तो उसको क्या आदेश हो जाता है? जस आदेश हो जाता है, उसके स्थान पर जस आदेश हो जाता है। जैसे देखिए अब इसमें सत धन जन, पहले सत धन जन होगा, फिर त को जो है द आदेश होगा, तब द के बाद फिर ज आदेश होगा, और इसमें दिक धन गज, दिक धन गज, तो क को डायरेक्ट तीसरा अक्षर जो है ग आदेश हो जाएगा, इसलिए सबसे सही आपका है दिग्गज। झलाम जसो अंते पदांते झलाम जसह स्युः स्याद, पदांते झलाम जसह स्युः स्याद, पद के अंत में झल प्रत्याहार का अगर वर्ण है तो उसको जस आदेश हो जाता है मित्रों। अब अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या है, बताएं इसका उत्तर, साथ के अर्थ में कौन सा शब्द नहीं है? साथ के अर्थ में, तो साहित्य अप्रधाने में कहा गया है कि सह साकम सारघम समम, सह साकम सारघम समम, ये जो है तीनों शब्दों का, सह है, साकम है, सारघम है और समम है, इन तीनों के साथ में यह समया नहीं होगा मित्रों, समया आपका नहीं है, ये विकल्प आपका इसमें कौन सा शब्द नहीं है, तो समया नहीं है, यही विकल्प आपका सही, तीसरा विकल्प सही मित्रों। हाँ विकल्प भी आपका सही है, बिल्कुल सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए अगला प्रश्न है बारहवां प्रश्न, बारहवां प्रश्न है मित्रों, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में प्रयुक्त होता है, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो मर्यादा और अभिविधि अर्थ में देखिए मित्रों क्या प्रयुक्त होता है, आंग उत्सर्ग,
ये यांग उपसर्ग जो होता है आपका मर्यादा तथा अविधि अर्थ में प्रयुक्त तो होता है। वी भी नहीं होगा, नी भी नहीं होगा, उप भी नहीं होगा। देखिए मित्रों, आपकी संख्या अभी बहुत कम है, आप अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, बता दीजिए कि संस्कृत की प्रैक्टिस सेट की क्लास जो है प्रारंभ हो गई है, लाइव क्लास। हाँ देखिए मित्रों, अगला प्रश्न हमारा 13वां प्रश्न है, गायक पद में संधि है, गायक पद में संधि है। अब गायक पद में देखिए गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। अयादि संधि से तात्पर्य है यहां पर एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावा। इस पद में मित्रों देखिए निश्चित रूप से आपका एच के बाद में अगर एच एच के बाद में कोई भी स्वर हो तो उसको आय आव आदेश हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अयादि संधि होगा मित्रों। इसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों, संप्रदान कारक में विभक्ति है, संप्रदान कारक में विभक्ति है, संप्रदान कारक में विभक्ति क्या है मित्रों, संप्रदान कारक में तृतीया विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, क्या है बताइए। तो संप्रदान, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है मित्रों, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, संप्रदाने चतुर्थी। कर्मणायम भिप्रेत स संप्रदानम, कर्मणा यम भिप्रेत स संप्रदानम, कर्मणा माने कर्म के द्वारा, यम माने कर्ता, अपने दान कर्म के द्वारा जिसको सबसे अधिक प्रसन्न करता है उसकी मित्रों क्या होती है, संप्रदान कारक संज्ञा होती है। कर्ता अपने दान कर्म के द्वारा जिसको सबसे अधिक संतुष्ट करता है उसकी कौन कारक संज्ञा होती है, संप्रदान कारक संज्ञा होती है मित्रों, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है मित्रों, ये देखिए, रामः वेदं पठति, रामः वेदं पठति का कर्मवाच्य में रूप होगा, रामः वेदं पठति। अब रामेण वेदः पठ्यते, अभी देखिए वेदः शब्द पहले भी आ चुका है, रामेण वेदं पठ्यते गलत है, रामेण वेदः पठ्यते, राम में तृतीया विभक्ति हो जाएगी और वेद मित्रों आपका ये क्या है, वेद आपका पुलिंग है इसलिए वेद हो जाएगा मित्रों। अभी आपकी संख्या मित्रों अभी 400 पहुंच गई थी, पुनः आपका 150 हो गया, 200 के लगभग पहुंच रहे हैं। अपने सभी मित्रों को आप बता दीजिए मित्रों, हाँ आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, मैं देख रहा हूं सभी सभी मित्र जो है सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है मित्रों 16वां प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण है, कौन सा अंतस्थ वर्ण है, तो देखिए यणो अंतस्था, एक सूत्र होता है यणो अंतस्था, यणो अंतस्था, अंतस्थ का मतलब होता है जो अंदर ही अंदर वर्ण बोले जाए, जिन वर्णों का उच्चारण अंदर ही अंदर किया जाता है उन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, तो यणो अंतस्था है, यण वर्ण आपके जो है य व र ल, ये आपका क्या है, अंतस्थ वर्ण है। उसके बाद मित्रों अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में सह नहीं है, सह यह उपसर्ग नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, प्र परा अप सम अनु अव निस निर, ये भी है अपरा आपका यही उपसर्ग नहीं, अपरा अपर माने दूसरा होता है, अपरा ये आपका अव्यय होता है मित्रों, अव्यय का नव्यम अनेन इति अव्ययम, तो ये अव्यय है आपका अपरा पद, ये जो है उपसर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों, देखिए 18वां प्रश्न है, हाँ आपका सही जवाब बिल्कुल आना चाहिए, धार्मिक पद में, ये देखिए हिंदी और संस्कृत दोनों का पद है आपका, धार्मिक पद में संस्कृत प्रत्यय है, धार्मिक पद में संस्कृत प्रत्यय है, यह धार्मिक आपका एक प्रत्यय है मित्रों, यहां पर एक प्रत्यय, ठीक है। तो
पाप का न ठक है न फक है न ढक है, स्त्रियां ढक होता है, लेकिन वो जैसे आपका गार्गैणी वगैरह पद बनता है तो उन समय होता है। इसमें आपका मित्रों एक प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों, भविष्यत काल में, भविष्य काल में यह लकार प्रयुक्त होता है, भविष्य काल में यह लकार प्रयुक्त होता है। कौन लकार प्रयुक्त होता है? तो भविष्य का मतलब है जो बाद में घटना घटने वाली है उसको भविष्य बोलते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से देखिए ये आपका लृट लकार है, क्योंकि लोट लकार का प्रयोग जो है ये भूतकाल के लिए होता है, भूतकाल के लिए। विधलिंग लकार का जो प्रयोग होता है आपका चाहिए अर्थ में होता है। आलुंग लकार का भी प्रयोग अनद्यतन भूत के लिए होता है। इसलिए मित्रों ये आपका लृट लकार का प्रयोग जो है भविष्य काल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, बपु शब्द का पर्याय है, बपु माने शरीर होता है, तनु माने शरीर, गुर माने भारी, अस्थि माने हड्डी, मस्तकम माने मस्तक। तो इसमें तनु या तनह, तनह शब्द है, तन माने शरीर होता है, तो बपु का सही क्या होगा मित्रों? हाँ, तनह शब्द आपका बिल्कुल सही है, सही जवाब है मित्रों आपका। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगला है मित्रों 21वां प्रश्न है, उभावप, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपकी परीक्षा में लगभग 2-3 बार पूछा जा चुका है। उभावप का संधि विच्छेद है, उभावप में उभाव धन आपि, उभाव धन आपि, ये देखिए मित्रों ऐसा है, उभाव में जो आव है आव के बाद में आया है, आव को क्या आदेश हो जाएगा? आव, आव आदेश हो जाएगा, वह आपका हलंत रहेगा, बाद में जो हमारा स्वर वर्ण आया है इसमें जुड़ जाएगा तो आव पूरा हो जाएगा, आव। तो उभाव, उभावपि, उभावपि, उभाव धन अपि बराबर उभावपि हो गया मित्रों। इसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों, महर्षि शब्द में संधि है, महर्षि शब्द में संधि है। अब महर्षि शब्द में देखिए कौन सी संधि है, तो महर्षि में बताया गया मित्रों, देखिए ध्यान दीजिए, यण संधि आपकी नहीं है, गुण संधि आपकी है। आदगुण सूत्र कहता है मित्रों, आदगुण यदि अ या आ के बाद में ई उ रील री आए, अ और आ के बाद में अगर ई उ रील री आता है मित्रों, तो ये जो है करके क्या हो जाता है, आय और ई मिलकर के ए हो जाएगा, आय और उ मिलकर के ओ हो जाएगा, आय और री मिलकर के अर हो जाएगा, आय और री मिलकर के अल आदेश हो जाता है मित्रों। तो ई ए ओ अर अल आदेश हो जाता है, अतः यहां पर कौन संधि है मित्रों? गुण संधि है, ये आपकी इसमें गुण संधि है मित्रों, गुण संधि। 21 का बी बिल्कुल सही जवाब है मित्रों आपका। अब इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, शुद्ध्युपास्य का संधि विच्छेद होगा, शुद्ध्युपास्य का संधि विच्छेद होगा, बताइए शुद्ध्युपास्य, बिल्कुल विकल्प बी आपका नहीं, विकल्प सी सही है, बिल्कुल सही, सी आपका सही है, सुधी धनुपास्य। अब इसमें देखिए बड़ा उ दिया है, उपास्य माने उपासक, उपासना करने वाला, विद्वानों के द्वारा जो उपासक है, विद्वानों के द्वारा जो पूजा किए जाने योग्य हैं या उपास हैं, तो सुधी धन उपास्य ये होगा मित्रों विकल्प आपका सी। अगला प्रश्न है मित्रों 24वां प्रश्न है, वद धन अक्वा रूप बनेगा, वद धन, तो वद का उ हो जाता है, उदित्वा रूप बनेगा मित्रों, इसमें वदित्वा नहीं बनेगा, ना तो वक्ता बनेगा, उदित्वा बनेगा। इसका सही विकल्प मित्रों क्या होगा, इसको ध्यान रखिएगा ये शब्दों को, वद धातु है लेकिन वद का क्या हो जाता है, उद हो जाता है, और उद में जो है अक्वा नहीं होता है बल्कि इत्वा हो जाता है, जैसे पठ धातु में जुड़ता है पठित्वा हो जाता है, हस धातु में जुड़ता है हसित्वा, वैसे ही वद धातु में जुड़ने पर उदित्वा हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है मित्रों करके, बोल करके, वद धन अक्वा माने उदित्वा, बोल करके,
आदित्व नहीं होता है। अब इसके बाद है मित्रों, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ये देखिए शिक्षण का प्रश्न है आपका, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, पढ़ाने वाले विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। तो देखिए मित्रों, इसमें जो है अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन विषय जो विषय वह पढ़ाए उसका तो ज्ञान हो ही, उसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान, बालक की दशाओं को जब वह नहीं जान पाएगा, बालक की भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, तो वह अच्छे ढंग से जो है आप शिक्षण नहीं कर सकता है, अच्छे ढंग से शिक्षण नहीं कर सकता है। इसलिए मित्रों वास्तव में जो है अगर सही ढंग से शिक्षण कराना है तो उसके लिए अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का, साइको की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिगम है, अजन है, भाषा के जो हमारे कौशल होते हैं, या जो है आपका सावेशी शिक्षा हो, चाहे सांस्कृतिक शिक्षा हो, या जो है किसी भी प्रकार की शिक्षा है, सतत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है, यदि इन सभी की जानकारी नहीं है तो वह जो है शिक्षक अच्छे ढंग से शिक्षण नहीं करा सकता है। इसलिए मित्रों सबसे बेहद जरूरी है शिक्षा को, शिक्षक को उस विषय का, जो विषय पढ़ाए उस विषय का तो पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिए, उसके साथ साथ जो है बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है मित्रों, तो यह आपका 25 का विकल्प क्या होगा, डी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जल्दी कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए मित्रों अगला प्रश्न है 26, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, शिक्षक होता है कि सीखने वाला होता है कि स्कूल होता है, एक एवं दो नहीं, एक उपर्युक्त सभी होना चाहिए मित्रों, इसमें उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी है मित्रों, इसमें उपर्युक्त सभी तीनों। शिक्षक की भी सीखने के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, और सीखने वाला भी होगा तभी जो है कोई सीख सकता है, और स्कूल का भी एक वातावरण, निश्चित वातावरण में निश्चित समय के अंतर्गत और औपचारिक साधनों के द्वारा ही विशेष रूप से जो है शिक्षण कराया जा सकता है। इसलिए सीखने के लिए मित्रों तीनों घटकों का होना बहुत जरूरी है, शिक्षक, सीखने वाला और स्कूल। अगला प्रश्न है मित्रों 27वां प्रश्न, देखिए यह बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है शिक्षण, क्योंकि अभी तक तो जो है टेट में ज्यादा शिक्षण के प्रश्न आते नहीं थे, लेकिन जो आपके सीटेट में आपका शिक्षण जो पूछा जाता है उसमें बहुत पूछा जाने वाला ये प्रश्न है मित्रों, शिक्षण कार्य में किया जाने वाला मूल्यांकन होता है, शिक्षण कार्य में देखिए केवल आंतरिक मूल्यांकन यह भी सत्य नहीं है, अप्रत्यक्ष मूल्यांकन यह भी सत्य नहीं है, केवल बाह्य मूल्यांकन यह भी सत्य नहीं है, आंतरिक और बाह्य ये आपका विकल्प सही। किसी भी विद्यार्थी का जब हम शिक्षण के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में सतत व्यापक मूल्यांकन तो होता ही है, उसके साथ साथ उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, कि विद्यार्थी की अपने विषय में पकड़ कितनी है, ये तो उसका आंतरिक मूल्यांकन हो गया, और बाह्य माने वह अपने प्रतिभा को किस प्रकार से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकता है, तो यह भी बात माने रखती है मित्रों। हाँ बिल्कुल आपका विकल्प डी सही है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, आप सभी मित्र बहुत आगे जा रहे हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत आगे जाएंगे भी, तो इसी प्रकार से आप जो है प्रैक्टिस सेट को देखते रहें। 28वां प्रश्न है मित्रों, देखिए संस्कृत के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं, प्रत्येक लकार में पुरुषों की संख्या मित्रों तीन होती है, तीन वचन होते हैं और तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो इसमें कभी कभी संख्या पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको दे दिया है, तो प्रथम, मध्यम और उत्तम, प्रथम पुरुष में सह पौते, मध्यम पुरुष में त्वम योजाम योजम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम, तो मित्रों आपका जो है ये संस्कृत में प्रत्येक लकार में तीन पुरुष होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मित्रों 29वां प्रश्न है, आदाय इत्यत्र का उपसर्ग है अस्ति, तो देखिए संस्कृत में हमारा उपसर्ग होता है आंग, आंग उपसर्ग होता है,
प्रपरा अपसम अनु अव निसनेर दुस दुर वी आंग आंग। तो आंग्रा में तो एक ग का गकार का जो है हलंतन से लोप हो जाता है और केवल बचता है आ, आ उपसर्ग केवल बचता है मित्रों। तो ये आपका यहां पर कौन सा होगा आंग उपसर्ग। आदाय में आंग उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद मित्रों अगला है आपका प्रश्न, तीसवां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अभितः परितः समयानिकषा में अभितः इति पदस्य योगे का विभक्ति ही अस्ति। अभितः इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो अभितः के योग में देखिए द्वितीया विभक्ति होती है। अभितः परितः समयानिकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। हाँ बहुत सही जवाब है जी। आप सभी का प्रयास बहुत बेहतर है। अब मित्रों देखिए आप सभी का जो है कहना है सिटेट, तो हम अगले वीडियो में आपको सिटेट से संबंधित जो है कुछ शिक्षण से भी सामग्री आपको लेकर के उपस्थित होऊंगा। और विशेष रूप से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट होता है उसको आप दो बार तीन बार जरूर देखें, ये आपकी परीक्षाओं में विशेष रूप से सहयोगी होंगे मित्रों। तो और आज देखिए पर्यावरण के विशेषज्ञ श्री राम सर जो है आपको लाइव क्लास 5:30 बजे से उनकी लाइव क्लास रहेगी, तो आप विशेष रूप से सभी भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर के उनकी लाइव क्लास को भी देखें और निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएं। तो इस प्रकार से मित्रों ये रहा आज आपका 30 प्रश्नों की श्रृंखला का मेरा ये प्रैक्टिस सेट। मैं अगले प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आपको और अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमो नमः मित्रान, धन्यवाद।